नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। जैसा आप सबको बता रखा दोस्तों, आपके लिए वीडियो आ जाएगी और जिन साथियों ने कमेंट कर दिए थे उनके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैंने बोला था कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर था और कितने नंबर आपके आ रहे हैं और कौन से प्रोग्राम में आपका जो है पेपर हुआ था। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी प्रोग्राम में जो है एग्ज़ाम दिया है और अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और कितने नंबर तक दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट्सों के नंबर हमारे पास हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप सबको यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे दोस्तों, कम से कम बहुत सारे लोगों के जो है यहाँ पे मैसेज आ गए हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। ठीक है, मेल पे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे, तो उसके हिसाब से जो है वीडियो ये आया है आपके लिए महत्वपूर्ण। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये पता लगेगा दोस्तों कि जो 50 प्लस जिनके भी नंबर आए हैं उनसे मैं एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, तो वो गलती ना करें, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार जितने के भी अच्छे नंबर थे उनको भी गलतियों का सामना देखने मिला और वहाँ पे उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए वो गलती आप ना करें, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको देखिए वो दिखा देता हूँ, जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उसके बारे में बताऊँगा, कितने कितने नंबर उनके आ रहे थे, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आपके कितने नंबर हैं, आपके अच्छे नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, जैसा स्टूडेंट्सों ने कमेंट किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, काफ़ी लोगों ने कमेंट कर दिए हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा उनके लिए भी। यहाँ पे देखिए, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, इससे पता लग जाएगा कि आपका जो है लेवल है क्या है, आपसे कितने ज़्यादा लोगों के नंबर हैं और कितने ज़्यादा लोगों के कम नंबर हैं, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका क्या लेवल है। देखिए यहाँ पे जो आप एवरेज देख लीजिए, कितने लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, तो पांडे अमृता है यहाँ पे, देखिए इसका 40 नंबर है और 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। और प्रमोद आनंद जी ने यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोला है, उनका बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट जो 18 तारीख में पेपर था सेकंड शिफ्ट में, इनके 48 नंबर हैं दोस्तों, चांस हैं इनके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 44 नंबर हैं और इन्होंने दो प्रोग्राम में जो है पेपर दिया है, तीन प्रोग्राम में दोस्तों, उनके अच्छे नंबर, इनका किसी न किसी प्रोग्राम में जो है इनका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। सोनी सिंह, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, किसी न किसी प्रोग्राम में इनका होगा और इनका प्रोग्राम काफ़ी प्रोग्राम में हो जाएगा, लेकिन जो है इनको ये है कि ज्वाइन कौन सा करेंगे वो। नेक्स्ट देखिए, जनरल में 50 नंबर हैं दोस्तों। देखिए, मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 50 प्लस नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, जिनके 50 प्लस नंबर हैं दोस्तों उनके चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने एवरेज देख लिया है, काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर भी हैं। देखिए इनका जो है आदिया खान का जो है 58 नंबर है, तो काफ़ी अच्छे नंबर इनका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ लोगों के बहुत कम नंबर हैं दोस्तों, लेकिन पासिंग मार्क्स वाले जितने भी हैं तो उनके यहाँ पे देख लीजिए प्रोग्राम वाइज कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, पिछली बार की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही थी, लेकिन अब की बार इतनी हाई नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए 41 नंबर हैं, ठीक ठाक है, जनरल है, लेकिन थोड़ा सा चांस कम भी हो सकता है उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे थोड़े से कम नंबर हैं दुर्गेश श्रीवास्तव, 18 के जो फर्स्ट शिफ्ट था दोस्तों उसमें काफ़ी लोगों के कम नंबर ही आए हैं। ठीक है, तो उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो भी अंतर आएगा ये सबको पता लग जाएगा, क्योंकि उनमें काफ़ी लोगों को सिलेक्शन देखने को मिला, काफ़ी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 नंबर हैं, 20 तारीख में होता है इनका, जनरल के हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे 1953 में हो जाएगा इनका, 71 नंबर दोस्तों, 100% हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अनुपम पांडे, ठीक है, DHS में 40 नंबर हैं, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, देखिए 35 नंबर 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितने कितने लोगों के नंबर आ रहे हैं, कितना आपको पता चल रहा है। देखिए 50 वालों का नंबर यहाँ पे चांस पूरे पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, जनरल में 46। देखिए मैं कमेंट्स के जवाब इसलिए देता हूँ दोस्तों, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे और मैंने आपको बोला था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। देखिए 53 नंबर जनरल में, 20 के सेकंड हाँ चांस हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जिसको यहाँ पर कमेंट्स मेंशन करके यहाँ पर देख रखा है, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो 39 नंबर थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनका, और 39 नंबर एनसीडी में कम पोस्ट थी, एनसीडी में भी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेरिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए ओबीसी से चाइल्ड हेल्थ में 51 नंबर है, काफ़ी अच्छी है, उनके अच्छे नंबर हैं। 50 प्लस का देखिए चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोगों के तो ये एवरेज आ रहे हैं दोस्तों 30 से 40, यानी कि 30 से अगर बात की जाए 35 नंबर से लेके 50 के बीच में ज़्यादा लोगों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और जो 50 से ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं उनका दोस्तों यहाँ पे लगभग चांस देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, वो कैटेगरी डिपेंड करती है, देखिए इनके 52 नंबर ओबीसी में, उनका हो जाएगा आराम से।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, और दोस्तों जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो सब हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। और हम देखिए, ये ऐसे नहीं है कि अपनी ही जो है वीडियो बना रहे हैं, ये आप लोगों का यहाँ पे देखिए कमेंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है आपके लिए बताया है। और आप लोगों से इसीलिए बोला गया था कि आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर जीत, इन्होंने क्या कमेंट किया था, शायद इनका कमेंट नीचे है, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 35 नंबर, दोस्तों 35 नंबर थोड़े से कम हैं, यहाँ पे देखिए 35 नंबर, 35 नंबर, 45 नंबर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कम नंबर हैं, बहुत सारे लोग इनके अच्छे नंबर हैं। देखिए यहाँ पे 59 नंबर हैं, तो इनका अच्छा है, चांस हो सकते हैं। 33 थोड़े से कम नंबर होंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो आपको देखिए यहाँ पे जितनी भी कमेंट्स हैं उसको देखते हुए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, देखिए इनका हो जाएगा 55 नंबर है, बहुत अच्छे हैं, ममता पटेल जी के। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं 49 नंबर पे भी चांस हैं। यहाँ पर देखिए आपको अगर आप कमेंट करोगे तो आपको पता भी चलेगा, और लोग भी जो भी उनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, उनको भी पता है, तो उस हिसाब से वो आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे रिप्लाई हो रहे हैं, जैसे रिप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि कैटेगरी OBC ये पूछते हैं, तो आपको इनसे भी पता लग सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपको भी जो है पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे कमेंट्स, दोस्तों मैक्सिमम कमेंट्स आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कमेंट्स जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो नंबरों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मैं नंबरों के अकॉर्डिंग ही आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो आज की वीडियो थी दोस्तों, सारे कमेंट्स के जवाब दिए मैंने यहाँ पे आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स मैंने बोल दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, और लोगों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कितने नंबर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अनुमानित है ये, ऐसा नहीं है फिक्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को बता दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को जिसमें, और उससे आपके जो है अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।